हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रॉ के सुपरस्टार्स जैसे रोमन रेंस, रोंडा राउजेस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस क्यों नहीं थे स्मैकडाउन के 1000 एपिसोड में। लेकिन गाइस, इससे पहले हम सब कवर कर लेते हैं स्मैकडाउन के 1000 एपिसोड की हाइलाइट्स। सो गाइस, सबसे पहले हमें स्मैकडाउन लाइव के स्टार्टिंग में थ्रूट टीवी देखने को मिलती है, जिसमें स्टेफनी मिकमैन, सेनो मैक, विंस मिकमैन मौजूद रहते हैं। इसके बाद गाइस, हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो रहता है एजे स्टाइल एंड डेनियल ब्राइन वर्सेस द उसोस के बीच। गाइस, इस मैच में एजे स्टाइल और डेनियल ब्राइन के बीच मिसकम्युनिकेशन के चलते उसोस इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद गाइस, हमें इवोल्यूशन का सेगमेंट देखने को मिलता है और गाइज, इस सेगमेंट के दौरान एक मैच टीच किया गया जो शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिले, जो है ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा। क्योंकि जब बटिस्टा बोलते हैं कि ट्रिपल एच ने यहाँ सब कुछ किया है सिवाय एक चीज के, और वो है मुझे हराना। अब देखना होगा कि ये मैच हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है या फिर नहीं। इसके बाद गाइज, हमें वर्ल्ड कप के लिए एक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है जो रहता है मिस वर्सेस रूसेव के बीच। गाइज, इस मैच में एडेन इंग्लिश के इंटरफेरेंस के कारण इस मैच में जीत हो गई द मिज की। और गाइज, मैच खत्म होने के बाद रूसेव अटैक भी करते हैं एडेन इंग्लिश पर। इसके बाद गाइज, हमें एज का शो देखने को मिलता है जहाँ पर गेस्ट रहती है बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर। और गाइज, हमें इन दोनों के बीच ब्रॉल भी देखने को मिलता है। इसके बाद गाइज, हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है जो रहता है द न्यू डे वर्सेस द बार के बीच। गाइज, इस मैच के दौरान हम सबको बिग शो भी देखने को मिलते हैं। और गाइज, इस मैच में द बार ने हरा दिया न्यू डे को और बन गए न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद गाइज, हम सबको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है जो रहता है रे मिस्टीरियो वर्सेस सिंसुके नाकामुरा के बीच। और गाइज, इस मैच में रे मिस्टीरियो ने हरा दिया सिंसुके नाकामुरा को और वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली। इसके बाद गाइज, हमें अंडरटेकर का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर वो क्राउन ज्वेल के लिए ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। गाइज, अब बात कर लेते हैं कि रॉ के कोई भी सुपरस्टार्स हमें स्मैकडाउन में देखने को क्यों नहीं मिले। सो गाइज, इसका रीजन है टाइम लिमिट। क्योंकि गाइज, हम सब जानते हैं कि स्मैकडाउन सिर्फ 2 ही घंटे का शो होता है और पहले से ही इतने सारे लेजेंड्स बुक थे, इसलिए स्मैकडाउन के पास उतना टाइम नहीं था ताकि रॉ के सुपरस्टार्स को स्मैकडाउन में लाया जाए, जिसके वजह से हमें मिज वर्सेस रूसेव का मैच और अंडरटेकर का सेगमेंट भी छोटा देखने को मिला। सो गाइज, यही थी वो स्मैकडाउन के 1000 एपिसोड की हाइलाइट्स। इसके अलावा हमें रॉ के सुपरस्टार्स स्मैकडाउन में क्यों देखने को नहीं मिले, उसके पीछे का रीजन। और गाइज, आप सब कमेंट कर बताइए कि आप सबको आज की स्मैकडाउन की एपिसोड कैसी लगी। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसका फायदा ये होगा, मैं कभी भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।